ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी की नज़र हुबली पर बहुत गहरी है। गुज़िश्ता दिनों इत्तेहाद न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने दो टोक लफ्जों में कहा है कि वो शहर हुबली ज़रूर आएंगे। शहर में YMIM का दबदबा और जोर काफ़ी बढ़ रहा है, जिसके बाद पार्टी चीफ ने भी हुबली आने का इरादा जाहिर किया है। पहले से ही यहां ओवैसी के प्रस्तारों में कोई कमी नहीं है। ओवैसी की आमद के बाद यहां की सियासत काफ़ी हद तक बदल जाएगी। गुज़िश्ता हफ्ते शहर हुबली के तकरीबन 40 उलमाए कराम के एक वफद ने YMIM के हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के सदर नज़ीर हुनियाल की सरपरस्ती में हैदराबाद पहुंचा, पार्टी सदर से मुलाकात की और उन्हें हुबली आने की दावत भी दी। इससे साफ जाहिर होता है कि उलमाए कराम और मशायखीन का ये तबका YMIM के साथ खड़ा होने तैयार है। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الرحيم ارحم فرما یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما۔ ان کا حیدرآباد جانا اور اویسی سے ملاقات کرنا یہ YMIM کی حمایت کا اعلان ہے۔ چونکہ نوجوانوں کے ساتھ اب علماء کرام بھی YMIM سے جڑ رہے ہیں تو YMIM کا مضبوط ہونا यकीनी और तय है। हालांकि उलमाए कराम को रोकने की बाकायदा कोशिशें की गई। ज़राए के मुताबिक उन्हें चंद मुतवलियों और अराकीन की जानिब से डराया और धमकाया भी गया कि वो ओवैसी से हरगिज़ मुलाकात ना करें, लेकिन उलमाए कराम और मशायखीन अपने फैसले पर अटल रहे। बहरहाल इनका काफिला बड़े ज़ोर शोर से हैदराबाद पहुँचा और वहाँ YMIM पार्टी की जानिब से इनका भरपूर इस्तकबाल भी किया गया और ओवैसी ने अपनी तकरीर में हुबली आने की बात कही। यकीनन जब आप लोग इतनी जिम्मेदारी के साथ और इतनी तकालीफ उठाकर हैदराबाद को आए हैं तो हमारी भी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला हम आपसे ज़्यादा मेहनत करके हुबली धारवाड़ में और जैसा उस्मान वली साहब ने बताया कि मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। बल्दिया के इंतखाबात भी या म्यूनसिपल इलेक्शन आपके पास कर्नाटका में होने जा रहे हैं के रमज़ान मुबारक के महीने के आगाज से पहले कम से कम हुबली में एक जलसा हो जाए, इससे हमारे काम का आगाज़ भी हो जाएगा और फिर इंशाअल्लाह ताला थोड़ा उस काम में वसत भी मिलेगी, तेज़ी पैदा होगी। जैसे ही ओवैसी ने हुबली आने का इरादा जाहिर किया, शहर में इनकी लहर जोर पकड़ने लगी है। बल्दिया इंतखाबात करीब हैं और नज़ीर हुनियाल की सरपरस्ती में उलमाए कराम और मशायखीन का इस तरह इनकी हिमायत में उतरना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। असद भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद YMIM जिंदाबाद 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 YMIM जिंदाबाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज बड़ी खुशी मुसर्रत महसूस हो रही है कि हमारे और आपके अली जनाब नकीबे मिल्लत अली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हम कर्नाटक जिला धारवाड़
हुबली धारोड़ महानगर वालों को एक खुशखबरी दी है कि रमजान उल मुबारक से पहले इंशाल्लाह वो जरूर हुबली तशरीफ लाएंगे। इतना कहते हुए मेरी बात खत्म हो गई। अब ये वक्त ही बताएगा कि क्या ये उलमाए कराम या माइम के साथ खड़े रहेंगे या फिर दूसरी पार्टी और पुर असर लोगों के दबाव में आकर अपना फैसला बदल देंगे। सियासत में उतार चढ़ाव लाजमी है, लेकिन जिस तरह यमाए मुख्तलिफ रियासतों में अपना सिक्का जमा रही है वो रियासत कर्नाटक में भी अपना झंडा गाड़ना चाह रही है। शुमाली कर्नाटक के इस तजारती व मरकजी शहर हुबली पर यमाए के लीडरों की खसूसी तवज्जो और नज़र है। वो चाहते हैं कि हुबली में पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम बनाया जाए और यहाँ से शुमाली कर्नाटक बिलखसूस मुंबई कर्नाटक इलाके में पार्टी का जाल बिछाया जा सकें। शहर हुबली एक ऐसा शहर है जिसका असर तकरीबन पूरे शुमाली कर्नाटक पर अपने गहरे नकूश छोड़ देता है। ऐसी सूरत हाल में यमाएम ने हुबली में मजबूत होने का जो इरादा जाहिर किया है वो बिल्कुल सही साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि ओवैसी की आमद के बाद शहर हुबली धारवाड़ की सियासत में क्या कुछ तब्दीलियां वाका होंगी। इतनी बात तो तय है कि शहर में ओवैसी के मदाह व परिस्तारों में कोई कमी नहीं है। कई नाम और चेहरे ओवैसी के इंतजार में हैं कि वो उनकी मौजूदगी में पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन ओवैसी की लहर हुबली में जोर पकड़ती जा रही है। पूरे भारत के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को जो नुकसानात हुए हैं, इसे मुसलमान कई सालों से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मुसलमान दूसरे तरफ जाने के लिए कोई प्लेटफार्म रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही हमारे नकीब मिल्लत की पार्टी बिहार के अंदर और दूसरे स्टेट के अंदर कामयाबी की मंजिल तय कर रही है, तो शहर धारवाड़ ज़िले के तमाम उलमाए किराम हमाईजीन ने हमने बाहमी मशवरा करके हमारे धारवाड़ ज़िले की ज़मीन को हमवार करना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कि आप जो है धारवाड़ की सरजमीन पर, हुबली की सरजमीन पर तशरीफ लाए ताकि बातिल के जो है बातिल मिट जाए और हक का परचम बुलंद हो जाए। ये पैगाम लेकर हम आपकी बारगाह में आए हैं। आपके साथ शहर धारवाड़ के तकरीबन उलमाए किराम साथ हैं, अमाईदीन हैं और नौजवान हैं। हर एक चाहता है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबिस्ता हो जाए। उस प्लेटफार्म को तैयार करने के लिए हमारे जनाब नज़ीर साहब भुनियाल ने बड़ी कोशिशें जारी की हुई है। हम उनके साथ हैं और साथ देना ये हमारा अखलाकी ये फर्ज बनता है।